तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो ये वीडियो जो है, यहाँ पे मैं पहली बार एक टैबलेट की अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और इस टैबलेट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहली बार हम चैनल पर टैबलेट का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो ये जो टैबलेट है, जो मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दिया है, तो उसका मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे पास जो टैबलेट है वो है गैलेक्सी टैब A9। तो ये जो फ़िलहाल जो टैबलेट है गैलेक्सी टैब A9, और इसकी प्राइस जो है 20,000 रुपीज़ है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे और बाकी सारे फीचर्स को देखेंगे। तो ये है इस टैबलेट का बॉक्स, देख सकते हैं आप। यहाँ पर लिखा है गैलेक्सी टैब A9, देन इस तरफ लिखा है सैमसंग, यहाँ पर कुछ नहीं है। पीछे आपको दिख रहा होगा ये मेड इन इंडिया है, कुछ डिटेल्स आपको दिख रहे होंगे। इसे टैबलेट है, इसके अंदर एक सिम इजेक्टर टूल है और डेटा केबल है, दैट्स इट। आपको एक ब्रिक नहीं मिलने वाला है, सिर्फ आपको डेटा केबल मिलेगा। और जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, तो ये जो टैबलेट है ये हमारे जो मोदी जी है और योगी जी है उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में बच्चों को दिया गया है। तो ये उसकी एक लेबलिंग है। तो देखते हैं अभी प्रोडक्ट। तो सबसे पहले है ये केबल, तो आप देख सकते हैं ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल, जो कि एक अच्छी बात है। उसके बाद है सिम इजेक्टर टूल, फिर फाइनल है हमारा टैबलेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी फ़ोटो भी है। तो ये टैबलेट कुछ 8.7 इंच का है। तो सबसे पहले हम स्क्रीन की बात करें तो ये 8.7 इंच का टैबलेट है, एंड इसमें दो वेरिएंट आते हैं। तो टैब A9 में आपको मिलता है A9 4G, A9 5G एंड A9 प्लस। तो ये जो वेरिएंट है A9 4G 4GB और 64GB है। तो यहाँ पे आपको पीछे कैमरा मिलता है, डिज़ाइन प्लास्टिक ही है फिलहाल। एंड इस साइड आपको मिलता है ऊपर की तरफ, सॉरी नीचे की तरफ, स्पीकर, देन माइक्रोफोन टाइप सी और हेडफोन जैक। फिर आपको इस तरफ एक सिम इजेक्टर सिम का स्लॉट मिलता है, यानी कि आप इसमें सिम कार्ड भी डाल सकते हैं। तो ये जो सिम कार्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सिम कार्ड और SD कार्ड ट्रे है, ठीक है। एक सिम कार्ड एक SD कार्ड लगेगा इसके अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको चीज़ें मिलती है। इस साइड आपको लॉक का बटन है, वॉल्यूम रॉकर है और एक और माइक्रोफोन है, और ऊपर की तरफ भी स्पीकर है, यानी कि ये ड्यूल स्पीकर का टैबलेट है जिसे आप इस तरीके से होल्ड कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। 8.7 इंच की स्क्रीन है इसके अंदर, बाकी रिफ्रेश रेट नॉर्मल है, 4GB रैम है, 64GB इंटरनल है। चलिए हम सेटिंग्स के अंदर जाते हैं, इसके अबाउट में चले जाते हैं। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगी इसे गैलेक्सी टैब A9। देन यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो सॉफ्टवेयर में आपको दिखेगा लेटेस्ट वन UI वर्जन 6.1 है इसके अंदर, 14 एंड्रॉयड है जो कि लेटेस्ट है, एंड जुलाई का इसमें सिस्टम अपडेट है। तो हालांकि इसमें सिस्टम अपडेट्स अभी भी आ रहे हैं, दैट्स अ गुड थिंग। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट में भी ये सब इनेबल है। तो 2 अगस्त को इन्होंने लास्ट चेक किया था, तो जैसे ही आपका सिक्योरिटी अपडेट आएगा ये अगेन अपडेट हो जाएगा। बाकी नॉर्मल जो सैमसंग में आपको दिखता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, बैटरी, डिस्प्ले, नोटिफिकेशंस। डिस्प्ले में आप देख सकते हैं ये लाइट है, ये मैं इसको डार्क मोड है, तो डार्क मोड में ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे आप ब्राइटनेस देख सकते हैं इस टैबलेट की, ये पीक ब्राइटनेस है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये इसकी पीक ब्राइटनेस है। सेटिंग्स में वापस जाते हैं, तो यहाँ पे तो ये है इसका पीक ब्राइटनेस, ये मैं कम कर देता हूँ। यहाँ पे अडेप्टिव का भी ऑप्शन है, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट करते रहेगा। देन आई कंफर्ट शील्ड है, फॉन्ट साइज है, स्क्रीन जूम है, स्क्रीन टाइम आउट है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। नेविगेशन बार है वो आप चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं इसके अंदर। अब जो इसकी बैटरी है वो है 5100 mAh की बैटरी है, जो कि काफ़ी बड़ी है। दो इसका स्क्रीन साइज 8.7 इंच है, बट डे टू डे यूजर्स में ये पूरा एक दिन निकल जाता है। तो अभी तक हमने बात कर लिया इसके डिस्प्ले की, बैटरी की, अब आते हैं प्रोसेसर पे।
तो इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो MediaTek का G99 प्रोसेसर है, जो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, देख सकते हैं आप काफ़ी स्मूथली काम कर रहा है यहाँ पे। और इसमें जो कैमरास है, जो फ्रंट में कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल का है और जो बैक कैमरा है वो है 8 मेगापिक्सल का। तो 2 कैमरा आपको मिलते हैं। तो कैमरा इंटरफेस मोर लाइक सैमसंग ही है। यहाँ पे आपको ये अभी आप फ्रंट में देख सकते हैं 2 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो 2 मेगापिक्सल कैमरा की क्वालिटी आप देख सकते हैं फ़ोटो। और इसको रोटेट करेंगे तो ये 8 मेगापिक्सल है, तो फिलहाल उतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं है, बट ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है तो कैमरा के थ्रू आप मोस्टली अगर स्टूडेंट्स का कोई कॉल चल रहा है या वो लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है फुल HD का 30 FPS और HD का 30 FPS, यानी कि ये ऑप्शन आपको बैक कैमरा में मिलते हैं। वीडियो के अंदर सिमिलरली हम फ्रंट में देखते हैं तो फ्रंट में भी आपको फ़िलहाल HD 30 का ही ऑप्शन है और 1:1 है और उसके साथ साथ फुल। तो ये आपको कैमरा में वीडियो में ऑप्शन मिल जाते हैं। अभी हम बैक में जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं मोर के अंदर। तो मोर के अंदर आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, प्रो मोड मिल रहा है, नाइट मोड है एंड हाइपरलैप्स मोड है, पैनोरमा है, फूट। तो दैट्स इट, इतना ही कंट्रोल्स आपको मिलता है, कुछ ज़्यादा कंट्रोल्स नहीं मिलते हैं क्योंकि ये बजट सेगमेंट का टैबलेट है इसके वजह से। तो इसमें जो स्पीकर मैंने जैसे बताया ड्यूल स्पीकर है, तो चलिए हम कुछ म्यूज़िक सुन के देखते हैं। तो उसकी म्यूज़िक क्वालिटी इट्स ज़्यादा लाउड नहीं है, क्रिस्पी साउंड है, अच्छा साउंड है, स्पीकर अच्छे हैं बट इट्स नॉट दैट लाउड, बैलेंस्ड है, दोनों तरफ से आपको सिमिलर आउटपुट मिल रहा है स्पीकर्स का, तो वो एक अच्छी बात है। बाकी इसमें मैंने वीडियोस में देखा है, यहाँ पे आप सिर्फ 720 तक जा सकते हैं, वीडियो प्ले कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पे अगर कुछ 4K का ऑप्शन हमें मिलता है, 4K वीडियो में ये कहाँ तक जाता है, लेट्स सी। 4K वीडियो अल्ट्रा HD, ये एक वीडियो है, इसमें हम ओके यहाँ पे आप 1440 तक जा सकते हैं। तो क्लैरिटी आप देख सकते हैं इसकी कैसी है, मुझे तो क्लैरिटी फिलहाल ठीक ठाक लग रही है। पहले आप वीडियो देख लीजिए क्लैरिटी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ये जो वीडियो प्ले किया है 1440 पिक्सल पे प्ले किया है, तो ये कलर एडाप्टेशन एंड एवरीथिंग जो भी है वो काफ़ी अच्छे से चल रहा है इसका। तो मेरे ख्याल से मीडिया कंजप्शन में भी कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, नेटफ्लिक्स हॉटस्टार बाकी सारी चीज़ें भी आप इजीली इस पे देख सकते हैं। मे बी वो HDR एंड बाकी सारी चीज़ें सपोर्ट नहीं करती हैं, लेकिन बाकी सारी जो वीडियो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है। तो बाकी इस टैबलेट को लेकर बाकी सारे स्टूडेंट्स का कंप्लेन है कि हमें वॉलपेपर कैसे चेंज करना है, हमें स्क्रीन सेवर हटाना है, तो वो उसके रिलेटेड आपको ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगे, आप सर्च कीजिए। इनका एक अलग से लॉन्चर है जो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा और फिर आप वॉलपेपर इजीली चेंज कर सकते हैं। बाकी ऐप इंस्टॉल करने में आप बहुत सारे ऐप्स आपको प्ले स्टोर में दिखेंगे तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं इजीली। और इन टर्म्स ऑफ यूजेज मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और ये टैबलेट काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। तो अब आते हैं प्राइसिंग पे, इसकी प्राइसिंग फ़िलहाल 16,000 है फ्लिपकार्ट पे और उस पर नो कॉस्ट EMI भी चल रही है। अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आप 16,000 में इसे नो कॉस्ट EMI पे परचेस कर सकते हैं।
इसका जो अलग वेरिएंट है वो है 5G वेरिएंट, वो आता है 20,000 एंड जो A9 प्लस है वो आता है 25,000। सो A9 प्लस का साइज़ जो है 10.7 इंच समथिंग है, तो उसका डिस्प्ले थोड़ा बड़ा है इसके वजह से, और उसमें भी थोड़े बहुत फीचर्स आपको डिफरेंट देखने मिल सकते हैं, तो उस वजह से उसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है। और कंपैरेटिवली ये काफ़ी अच्छा टैबलेट है, आप देख सकते हैं इस टैबलेट की साइज़ और इस फ़ोन का, ये वीवो का फ़ोन है, ऑलमोस्ट ये स्लिक है और ये कितना चौड़ा है, तो इस तरीके से भी आप देख सकते हैं कि ये कितना डिफरेंस है। तो ये है ही टैबलेट और अच्छे से काम भी कर रहा है, तो बाकी सारी चीज़ें भी इसमें अच्छे से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसी तरीके के इंटरेस्टिंग अनबॉक्सिंग एंड वीडियोस हम आपके लाते रहेंगे, प्रोडक्ट्स के रिव्यू। तो ये वीडियो अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और जिनको भी इस वीडियो की ज़रूरत है उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो खास करके स्टूडेंट्स के लिए है जो एक टैबलेट अफोर्ड कर सकते हैं विद इन अ कम प्राइस रेंज, तो मेरे हिसाब से वो काफ़ी अच्छा है। ओवरऑल जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस टैबलेट को लेकर काफ़ी अच्छा रहा है, बजट में है और स्टूडेंट्स को काफ़ी मदद कर सकता है, तो मेरे ओपिनियन में ये टैबलेट रेकमेंडेड है आपके लिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, अगर आप एक बजट सेगमेंट ट्राई कर रहे हैं और आपको भी सैमसंग का टैबलेट मिल रहा है, तो आप मेरे तरफ से ये ज़रूर चेक करें। ये टैबलेट आपको अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट एंड शॉप्स पे अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी जाके आप इसका एक्सपीरियंस ले सकते हैं एंड देन आप इससे परचेस कर सकते हैं। तो इसी तरह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।